हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं ब्लॉग स्टार्टिंग कुछ खास जगह से, तो हमारे यहाँ पे आज चूड़े कूट रहे हैं, काफ़ी मज़े आते हैं। ये लोग तो सुबह से लगे हुए हैं, मैं अभी आई हूँ, बस नहा धो के अभी आई हूँ घर का सारा काम निपटाने के बाद। ये तो सुबह ही नहा लेते हैं, बस हमारा नहीं होता चूड़ा कूटना, मतलब कूटते ही नहीं है हर साल ही, अब धान जो नहीं हुए तो ये लोग कूट रहे हैं, तो दिखाते हैं एक एक करके। यहाँ पे लगाए हैं सगड़ी में आग और चूड़े भूनने वाले हैं दीदी। ओ दीदी, अरे पहला ये दीदी के दीदी हैं, ये रहे चाची, ये कूटने वाले हैं पहलवान। कैसा हो रहा है? सुबह से थक गए? नहीं थके, अभी आएंगे, अभी आपके अच्छे अच्छे बहुए। और करिश्मा मैम, बंदरों ने माला निकाल दी, कील गिर गया। तो किसी का कमेंट था कि करिश्मा मैम बनेगी, तो बताओ मैम जी। प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं। और कितने से कितने क्लास को पढ़ाते हैं? 2 से 8। 2 से 8 तक करिश्मा? नहीं, 5। 5 तक ना? 2 से 5 तक करिश्मा एंजल्स एकेडमी में पढ़ाती है। तो अभी 1 महीना हो रहा है ना। नज़र देखो एकदम, कहीं मेरी नज़र जो लगेगी कहीं पत्थर में ठा तारा है। दीदी को अपने बच्चों के हो रहे हैं, कहाँ गए करके। अरे भैया के साथ है छत में। तो चूड़े एक धान का होता है, ये धान हुई तो इसे 3-4 दिन पहले भिगा के और गरम गरम आग में भून के, जैसे भूनने लग जाए तो इसे गरम गरम ओखल में डाल के कूटे जाते हैं, तो कुछ इस तरह के ये बनते हैं, चपटे चपटे बनाने होते हैं। तो इन्हीं की पूजा भी होती है, मंदिर में भी चढ़ाते हैं और इन्हीं से भैया दूज की पूजा भी करते हैं। आगे ना मम्मी कोटेंगे भमा भम। नीना दी तो अपने पहुंचाने जाने लग गए, फिर और लोगों के हैं, ये 3-4 लोगों के आज। इस बार आंटी के नहीं है तो कम ही है। तो अभी मखो मैंने पकड़ लिया, इसे कहते हैं मखो, और नीचे ओखल मखो, और वहाँ पे भूने जा रहे हैं। दीदी थक गए, तो देखती हूँ मैं घमा घम कैसे कूदती हूँ। मैं तो छलका दिया रे, आशी हो रही थी अरे कब से नहीं कर रखा है, बचपन में कूटा था ऐसी हमारी। अरे बचपन के बाद आजकल ही देख रही हूँ यार, उखल मुखोल खबरानी जो यार है। हमारे घर में किस्सा है ना, सीपन ठान भगवान वाला, तो वही मेरा किस्सा हो रहा है। मतलब बचपन में तो कूटा, फिर नज़र सही नहीं जाती है मेरी, इधर उधर सब छलका दिए, तो वो वाला फिर आधा चाची ने कर दिया। ऐसे ही होता है कभी कभी, काम करो तो। तो इंदौर बंदना का कल ग्रहण काल में कुछ टोटका हो रहा था लखपति करोड़पति होने का, तो वही करने जा रहे हैं ये, अभी मुट्ठी में लेके भी अभी बलवंत भैया बंदना बस। हाँ, अगले साल घमचम होनी चाहिए, ऐसी लाइट की माला, ये मतलब बैसाख में ऐसी मांग के लाना। भैया मेरे को ब्लॉग बनाना है, वीडियो वायरल नहीं हो रहे आजकल, शादी वाली वायरल होगी। ठीक, वही मांग के लाना, कुछ नहीं मांगना दूसरा। ये भी ट्रिकी होते, देखो मैं जो होती हूँ हाथ में ही मारती, इसमें मेरा हाथ लगा, ये भुन ही नहीं रहे हैं, उछल ही नहीं रहे हैं अभी। तो ये तो कह रहे इसमें मेरा हाथ लग गया ना, अभी तक तो अच्छे उछल रहे थे, अब उछल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। मेरे से एक भी काम अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भूनने समय बैठे, यहाँ पर भी ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ कूटने में भी ठीक नहीं हो रहा है। अब क्या करूँ, घर जाते हो नाश्ता करने? चाची लोग तो चाय पीने लग गए, क्यों कौन अच्छा था, बहुओं को गाली देती हूँ। जाओ आइए बहू, आइए ब्लॉग बनाने वाली, उसको भुनना भूनना आया ना कूदना आया, खाली वो मोबाइल लेके घूम रही है। 2 घाण भून भी लिए, 2 घाण कूट भी लिए, मतलब दूसरी घाण में ठीक ही था, नज़र सही जा रही थी। वाला काम बचपन में किया, मायके में तो धान भी नहीं होते मेरे, बस वो मडुए का खंड फंड जो कहते हैं उसको अलग करते थे, तो मडुआ खांटते थे मतलब। तो अब चलते हैं नाश्ता करने, और दुकान भी नहीं खोली मैंने, देखो मम्मी आते ही प्रांशुल को पकड़ लिया, प्रांशुल को देख रहे हैं इंदु दुकान में चलेगी, वंदना नाश्ता कर रही है, चाची चूड़े कूट रहे। हमारा प्रांशुल की दीपावली कैसी थी?
दीपावली कैसी थी? बहुत अच्छी ना? अच्छी थी बहुत। तो पौने दस हो चुके हैं। मैंने कल की वीडियो भी एडिट नहीं कर रखी है। पहले तो नाश्ता करते हैं, फिर एडिट करेंगे, फिर जाएंगे चूड़े कूटने, क्योंकि अभी बहुत चूड़े हैं। तो पापा को भी देते हैं, नमू और मैं करते हैं, इसके पापा फिर आएंगे, अभी नहाने गए हैं। तो रोटियां सुबह ही मम्मी ने बना दी थी, मैं और काम कर रही थी। सब्जी है बीन्स और आलू मटर की तरी। तो चलते हैं, अभी भी चूड़े कूटे रहे हैं, थोड़े से रह गए हैं अभी। मैंने अभी तक वीडियो एडिट भी नहीं कर रखा है, अभी तक प्रांशु के साथ थी, उसके साथ खेल रही थी, रील्स बना रही थी। अब देखती हूँ वीडियो एडिट कैसे हो पाती है। 35 से 37 मिनट के बीच वीडियो बन रखी है कल वाली, तो आधे पार्ट काट कूट करने पड़ेंगे। उड़ गया जा जल्दी। किट्टू सुलाएगी, क्योंकि किट्टू को अच्छी आदत है ना प्रांशुल को सुलाने के लिए, वो सो ही नहीं रहा हमसे। जो मेहनती लोग हैं वो ऐसे लगे हुए हैं सुबह से काम करने में, और हम जैसे लोग बस रील्स बना रहे हैं। करिश्मा तेरे वहाँ बंदा ने टॉयलेट कर दिया। तो बड़े मेहनत से लगे हैं, मेरा काम था बस रील्स बनाओ और निकाल दो, वीडियो बनाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो वहाँ से अपना रील्स वील्स बना के आ गई हूँ मैं दुकान में। दुकान बिल्कुल सुनसान है, बाज़ार भी सुनसान है, देख सकते हो। मतलब ना गाड़ी चल रही है ना लोग चल रहे हैं। ऐसे ही होता है दीपावली के 3-4 दिन तक, ऐसे ही रहता है। होली में भी, दीपावली में भी ऐसे ही रहता है 3-4 दिन। अभी दिन का खाना खाने का टाइम हो गया है। खाने में है भटकी चुटकानी, मिर्ची का अचार, बीन्स की सब्जी, भात। नम्मू ने तो पता नहीं हलवा बना रखा है, मम्मी खा रहे, नम्मू खा रहे, दीपा पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, ऐसे रहेगा दोबारा, पता नहीं कब गर्म करेगी ऑफिस के काम काम। आज हम इतने ही हैं, पापा घर चले गए, मम्मी जाने वाले थे तो गाड़ी छूट गई। तो अब कल जाएंगे। पापा का पता ही नहीं, खा रहे, पता नहीं पार्टी कर रहे हैं शायद। तेरे को नहीं ले जाते हैं यार कभी पार्टी में? उधर खा रहे होंगे वो, यहाँ पर मोमो होमो खा रहे होंगे ना। दिन में खाते हैं क्या मोमो होमो? होमो क्या होता है वो? होमो खाया तूने कभी? मोमो क्या होता है? तो दोस्तों समय है शाम के, और टीवी पे मैंने लगा रखा है नम्मू के ओलंपियाड के क्वेश्चन आंसर, जो इसे सॉल्व कर रहा है। तो वह उनका चैनल है, तो अपने चैनल के माध्यम से सारे बुक्स को करा रहे हैं। मतलब मैथ्स की बुक है, इसका ओलंपियाड्स का फॉर्म भरा गया है स्कूल के द्वारा। तो क्लास 2 की आजकल फ्री है, तो थोड़ा सा टाइम टाइम पर इसको कराते रहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। तो शाम को मैंने ये भालू वाला ड्रेस पहन लिया, ठंडा हो ही रहा है आजकल, बहुत दिनों से पहन रखा, लेकिन ब्लॉग में आज ही दिख रहा होगा। तो नमो कैसे हो रहे तेरे क्वेश्चन आंसर? थोड़े थोड़े हार्ड हो रहे हैं, थोड़े इजी हो रहे हैं। कुछ तो इतने ईजी हैं इसके, जल्दी से हो जा रहे हैं। लेकिन तो क्लास 2 से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए ओलंपियाड के पेपर होते हैं, तो उसी में से नमो की भी है ये मैथ्स की। इसने मैथ्स भर रखा है, किसी ने GK भर रखा, तो इसमें से आधा चैप्टर इसका हो गया है, अभी आधा है। शायद दिसंबर में होता है, जनवरी फरवरी पता नहीं कब पेपर होता है ओलंपियाड का। तो बच्चों का ये होता है ना, यदि एक टेस्ट की तैयारी हो जाती है, निकलते हैं तो कहाँ है, ये देखो, बस एक इधर तक करना है। हाँ अच्छी बात है, ये देखो 72 पेज। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी हो ही रखी है, तो समय शाम का हो गया है। आज सुबह से काफ़ी अच्छा रहा दिन, और चूड़े उड़े को खूब कूटे। कल भैया दूज हुई, तो आप भैया दूज के दिन मेरी वीडियो देखोगे, तो आप सभी को भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे पहाड़ों में ये सब चीज़ें कमी होते हैं, एक दीपावली तक की मेन होता है, महत्व होता है, और भैया दूज अभी जो होता है थोड़ा थोड़ा पहाड़ों में, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा चीज़ें तो होता ही नहीं है। तो बस उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एंड गुड नाइट। और मैं ना इस चैप्टर में पहुँचाऊँ, अच्छा 13 पेज में पहुँच गया है ये, तब तक ले